आगे बढ़ेंगे, अब बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है वो मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई है। बड़ा अपडेट आप जान लीजिए, सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला आज सामने आ सकता है। सिसोदिया की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट को फैसला सुनाना है। सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में कोर्ट से जमानत की मांग की गई है मनीष सिसोदिया के जरिए, और आज इस पर फैसला भी सामने आना है। बड़ी खबर इस वक्त की मनीष सिसोदिया के केस से जुड़ी हुई है। बड़ा अपडेट आप जान लीजिए, दिल्ली हाईकोर्ट को आज फैसला सामने रखना है। ईडी सीबीआई दोनों ही मामले में मनीष सिसोदिया राहत चाहते हैं, जमानत चाहते हैं। ऐसे में जमानत की मांग की गई है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट को तय करना है कि आगे इस केस में राहत मिलती है या फिर नहीं, यानी कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को स्वीकार किया जाता है या नहीं। सिसोदिया की जमानत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला सामने रखने वाला है। न सिर्फ मनीष सिसोदिया की नजरें रहेंगी बल्कि उनके परिवार वालों को भी इंतजार है, आम आदमी पार्टी को भी इंतजार है, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है। और आपको याद दिला दें, स्वाति मालीवाल के केस में जब स्वाति मालीवाल लगातार सवाल आम आदमी पार्टी पर उठा रही हैं, राजनीतिक हिटमैन का जिक्र कर रही हैं, वो बता रही हैं कि उनके साथ लगातार गलत हो रहा है, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता उनके खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं, ऐसे में मनीष सिसोदिया को याद किया स्वाति मालीवाल ने और ये कहा कि अगर आज मनीष सिसोदिया जी यहाँ पर होते तो मेरे साथ इतना गलत नहीं होता। ये सब बातें एक तरफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमानत को लेकर आज बड़ा फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के जरिए सामने रखा जाना है। अब यहाँ मनीष सिसोदिया को इंतजार रहेगा, आम आदमी पार्टी को इंतजार रहेगा, दिल्ली हाईकोर्ट आज रुख साफ करेगा जमानत को लेकर राहत मिलती है या फिर नहीं। क्या अभी राहत मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी, इसको लेकर हम अपने संवाददाता का भी रुख करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि चांसेस क्या लग रहे हैं अब तक की सुनवाई को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर अपनी अपनी तरफ से कोशिशें सबकी हैं, मनीष सिसोदिया और लीगल टीम की कोशिशें हैं जमानत मिल जाए, जबकि ईडी और सीबीआई इसका विरोध लगातार करती रही है। आयुष शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। आयुष, आज फाइनली फैसला सामने आ जाएगा क्या? आज ये चीज स्पष्ट हो जाएगी कि मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। शाम 5 बजे का वो वक्त रखा गया है जब इस पूरे मामले पर जो कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा हुआ था उसको पढ़कर सुनाया जाएगा। जब 14 तारीख को सुनवाई हुई थी तो मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से बात कही गई थी कि ईडी इस मामले को लटकाना चाह रही है, इस मामले में देरी जो है वो ईडी पैदा कर रही है। तो दूसरी ओर ईडी की तरफ से बात कही गई थी कि पूरे देश भर में लगातार इस मामले में याचिकाएं लगती जा रही है, जिसकी वजह से आईओ को वक्त नहीं मिल पा रहा है इस केस पर काम करने का, क्योंकि जब भी याचिका लगती है आईओ को कोर्ट में खुद प्रेजेंट होना पड़ता है, वहां पर उपस्थित रहना पड़ता है। ऐसे में जब ईडी की तरफ से बात की गई तो एक बात और कही गई थी कि ईडी जो है पार्टी बनाना चाहती है आम आदमी पार्टी को, इस पूरे मामले में जो ये कथित शराब घोटाला था और मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला था। ऐसे में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला 14 तारीख को सुरक्षित रख लिया था। अब आज शाम को 5 बजे देखना यह होगा कि मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से ही राहत मिलती है या नहीं, या फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख अरविंद केजरीवाल की तरह ही करना पड़ेगा। जी, दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मामले में, यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अर्जियां लगातार खारिज होती रही मनीष सिसोदिया की तरफ से, लेकिन राहत उन्हें मिली नहीं। लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले पर फैसला सामने रखने वाला है। शाम 5 बजे आयुष बता रहे हैं कि फैसला सामने आ सकता है। आयुष, क्या चांसेस क्या लग रहे हैं? हालांकि कोर्ट को पूरी तरह से ये फैसला करना है, लेकिन अभी तक की सुनवाई, अभी तक की दलीलें किस तरफ इशारा कर रही हैं? जी देखिए, जहां तक बात की जाए हाई कोर्ट की और इस पूरे केस के पैटर्न को अगर हम समझे तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी पहले राहुल द्रविड़ कोर्ट में याचिका लगाई गई, तो दूसरी तरफ संजय सिंह की तरफ से भी याचिका लगाई गई थी। फिर वो दोनों ने जब हाई कोर्ट से उन्हें जब राहुल द्रविड़ कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली तो उन दोनों ने हाई कोर्ट का रुख किया अपने अपने समय पर। उसके बाद जब हाई कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। संजय सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत दे दी जाती है और अरविंद केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत दे दी जाती है, जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि अब मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी आसान हो सकती हैं इस पूरे मामले में, कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली, संजय सिंह को राहत मिली, जो इतने लंबे समय से जेल में बंद नहीं थे जितने लंबे समय से मनीष सिसोदिया बंद है। मनीष सिसोदिया को लगभग 15 महीने हो चुके हैं तिहाड़ जेल में बंद हुए। ऐसे में एक उम्मीद जताई जा रही है कि इस आधार पर मनीष सिसोदिया को बेल दी जा सकती है कि 15 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है उन्हें जेल में बंद हुए, और ऐसे में अभी तक जो चार्जशीट है उनके खिलाफ दायर कोर्ट के सामने नहीं
की गई थी, इस आधार पर बेल मिलने की संभावना भी है। तो वहीं दूसरी ओर जब ईडी और सीबीआई की तरफ से दोनों की तरफ से बात कही गई कि मनीष सिसोदिया को बेल ना दी जाए, क्योंकि अभी इस केस में और भी डेवलपमेंट होनी है, आम आदमी पार्टी को भी इस पूरे मामले में एक पार्टी बनाकर कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाना है। तो दोनों तरफ से अभी उम्मीद है। साथ में मनीष सिसोदिया के लिहाज से आज बहुत बड़ा दिन है, आम आदमी पार्टी के लिहाज से बड़ा दिन है। शाम 5 बजे का इंतजार, जमानत पर क्या फैसला हाईकोर्ट सुनाता है। आयुष आप रहिएगा, अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। हेमंत सोरेन को लेकर ये बड़ी खबर है। हेमंत सोरेन पर सुप्रीम सुनवाई का दिन है। हेमंत सोरेन ने अपनी